कुचबिहार जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को माथा भांगा के पंचनन पुल की मरम्मत का कार्य शुरू कराया गया है। नतीजन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं दोपहर 12 बजे से शाम के 4:30 बजे तक पुल पर मरम्मत का कार्य जारी रहेगा। इसलिए प्रशासन ने इस समय पुल पर सभी चार पहिया गाड़ियों के यातायात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। हालांकि पुल पर किसी प्रकार की दुर्घटना ना घटे एवं सभी प्रतिबंध का सही तरीके से पालन करे, इसलिए पुल के सामने पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि 9 तारीख से लेकर बांध 25 तारीख तक यानी कि कुल 16 दिनों तक पुल का मरम्मत का कार्य चलेगा। इसके अलावा प्रशासन ने पुल से भारी वस्तुओं की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। वहीं प्रशासन की तरफ से पुल पर वाहनों की आवाजाही को रोक कर रखा गया है। इससे जो गाड़ी चालक है उन्हें कितने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सीधे सुनाएंगे उन्हीं से आपको। গাড়িতে কলা লোড আছে গাড়ি যাইতে দিচ্ছে না চাইছে দাঁড়িয়ে আচ্ছা কেন যেতে দিচ্ছে না কেন ব্রিজের কাজ চলছে আগে জানতাম না আজকে কাজ হবে আগে জানতাম 26 তারিখ কাজ হবে সকালবেলা গেছি সময় কাজ ছিল এখন হুট করে এসে দিয়ে কি আটকা দিচ্ছে দাঁড়িয়ে দিচ্ছে না কত না আমার বাড়ি গোসাড়াতে আমি কলা নামে আবার কোচবিহার যাইতাম গোসাড়াতে ব্যবসায়ী সমিতির গণেশ পূজা সেই গণেশ ঠাকুরকে যাইতাম হ্যাঁ সমস্যা তো অবশ্যই আছে এটা কিভাবে দেখছেন সে ঠিক আছে ব্রিজের প্রয়োজন আছে কিন্তু আমরা একটা নির্দিষ্ট টাইমের দরকার ছিল যে এতটা থেকে এতটা পর্যন্ত গাড়ি যাইতে পারবে এই টাইমটি আগে জানাইনি না সেটা জানতাম না জানতাম যে এটা 26 তারিখে আজকে যে হবে সেটা জানতাম না